नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। राजधानी पटना में अभी अभी गंगा में एक बड़ा हादसा हो गया है। देखिए, राजधानी पटना के अशोक राजपथ स्थित कृष्णा घाट पर कई लोग नहाने के लिए जाते हैं और उस दौरान आज सुबह सुबह यानी महज कुछ देर पहले जो है वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले गाजीपुर के रहने वाले 5 छात्र पटना आए थे और उस दौरान वो लोग नहाने के लिए गए थे और नहाने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया है। तस्वीरों में देखिए, मौके पर पुलिस पहुंची है, एसडीआरएफ की टीम पहुंची है। दरअसल मामला ये है कि 5 छात्रों में से 2 छात्र नहाने के लिए गए और वो वापस अपने घर नहीं लौटे, यानी गंगा में वो समा गए हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से वहां पर हड़कंप का माहौल बना हुआ है। पटना में गंगा नदी में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ गंगा स्नान के दौरान 2 युवक डूब गए हैं। कहा जा रहा है कि कुल 5 युवक गंगा स्नान करने गए थे और इस दौरान 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई है। मामला पटना के पीरबोहर थाना क्षेत्र के अशोक राजपथ स्थित कृष्णा घाट का है। हादसे का शिकार बने युवक उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले थे। सभी युवक गंगा स्नान कर रहे थे और इस दौरान 2 युवक गहरे पानी में चले गए और वहां पर वो डूब गए, जबकि 3 बाल बाल बचे हैं। उनको अब रेस्क्यू करके निकाल लिया गया है और कहा जा रहा है कि एक युवक को गंगा में नाव चला रहे नाविक ने बचाया है। डूबने वालों की पहचान समर प्रताप और मोहन वर्मा के रूप में हुई है। सभी पढ़ाई कर रहे थे और फिलहाल घटनास्थल पर एसडीआरएफ की टीम डूबे युवकों की तलाश में जुट गई है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से एसडीआरएफ की टीम है, पीरबोहर थाना क्षेत्र की पुलिस वहां पर पहुंची है और इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। जो भी छात्र वहां पर नहाने गए थे, नहाने के दौरान एक बड़ा हादसा अभी अभी राजधानी पटना के कृष्णा घाट पर हुआ है। देखिए, लगातार नव हादसे होते हैं और गंगा स्नान के दौरान बड़े बड़े हादसे होते हैं और एक बार फिर से ये तस्वीरें देखने को मिली है। एक बार फिर से पटना में बड़ा हादसा हुआ है। देखिए, 5 छात्र जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले हैं, जो पटना में रहकर पढ़ाई कर रहे थे, उनमें से 5 नहाने के लिए गए थे। 5 में से 2 अपने घर नहीं लौटे। तुरंत वहां पर पुलिस पहुंची, हड़कंप का माहौल पूरे इलाके में बना है। उस घाट के पास देखिए किस तरीके से लोगों की भीड़ जमा हो गई है, लोग एकत्रित हो चुके हैं। वहां पर उन दोनों छात्रों को ढूंढा जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है और लगातार वहां पर बोट के जरिए किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है। देखिए, लगातार गंगा नदी में उन तमाम दोनों छात्रों के लिए तलाश की जा रही है कि आखिर वो दोनों छात्र कहां समा गए, वो दोनों छात्र आखिर चल कहां गए। आखिर पटना में जिस तरीके से गंगा का जल स्तर जो है लगातार बढ़ते रहता है, लगातार घटते रहता है, और इस बीच 2 छात्र लगातार जो है वो डूब गए हैं। 5 छात्रों के द्वारा वहां पर नहाने का कार्यक्रम किया जा रहा था और इस बीच 2 छात्रों की डूबने की सूचना इस वक्त सामने आ रही है। अब एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वहां पर लगातार छानबीन की जा रही है। उन दोनों छात्रों के लिए लगातार एसडीआरएफ की टीम छानबीन में जुट गई है। बहरहाल, एक बड़ी घटना राजधानी पटना में देखने को मिली है। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर लिए। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।